हैं तो तिमाही नतीजों पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं एनआईआईटी लर्निंग के सीईओ और ईडी सपनेश लल्ला जी। सपनेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। और नतीजों पर अगर गौर करें तो लगभग हर फ्रंट पे नतीजे ठीक हैं। आखिरी बार जब आपसे चर्चा हुई थी तब आपने कहा था जो क्लाइंट स्पेंड है वो वीक है। फिलहाल आप बता पाएंगे कि अभी स्थिति क्या है इस मामले में? हाँ जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। क्लाइंट स्पेंड्स कॉम्प्रेस्ड हैं, जबकि ये इन्वायरमेंट और अनसर्टेनिटी की वजह से है। पर इसके बावजूद भी एनआईटी लर्निंग सिस्टम्स ने 4 नए कस्टमर्स ऐड किए और 4 एग्जिस्टिंग कस्टमर्स से अपने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किए, जिसमें से 2 ने एक्सपैंड किया उनका धंधा हमारे साथ। तो क्लाइंट एडिशंस में एक्सेलरेशन देख रहे हैं हम, बट क्लाइंट जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, अनसर्टेनिटी की वजह से वो अपनी स्पेंडिंग कॉम्प्रेस कर रहे हैं। जी, विश्वमोहन बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये होगा कि ये आप लोग स्पेंड्स को कब तक रिकवरी की उम्मीद कर रहे हैं? क्या जो करंट H2 है उसी में या अगले वित्त वर्ष में FY 2025 में? हमें लगता है कि रिकवरी H2 में नहीं होएगी, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रिकवरी के चांसेस ज़्यादा हैं। बिल्कुल सर। और अब हम देख रहे हैं कि बहुत नज़दीक हैं चुनाव और देश अब जो चुनावी मोड में आ रहा है। नए क्लाइंट एडिशन की अगर हम बात करें और क्लाइंट डिपेंडिंग की बात करें तो ज़रा उस पर एक नज़रिया दीजिए। और फोकस एरिया जो है वो क्या रहने वाला है आने वाले वक्त में? और क्या जो जैसे आपने वैसे जिक्र किया आपने क्लाइंट एडिशन के बारे में, लेकिन उसके बावजूद अब आगे जो है वो एक विस्तृत नज़रिया क्या बन रहा है? देखिए, आपने इलेक्शंस की बात की। इलेक्शंस की वजह से कुछ अनसर्टेनिटी आती है, बट उसके भी बावजूद हमें लगता है कि हमारा न्यू क्लाइंट एक्विजिशन बरकरार रहेगा, तो उसका वेलोसिटी एक्सेलरेट करते रहेंगे हम। जो आपने आउटलुक की बात करी, उसमें हम सोच रहे हैं कि अर्ली टू मिड टीन्स में हमारा ग्रोथ होएगा पूरे साल के लिए, और ये ग्रोथ अगले साल में एक्सेलरेट करेगा। बहुत शुक्रिया करेंगे सपनेश जी हमसे जुड़ने के लिए। और आपको भविष्य के लिए, आपके कारोबार के लिए और भविष्य की योजनाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, तो ये था एनआईटी का मैनेजमेंट हमसे खास बातचीत में, उन्होंने हर पहलू पर बातचीत की। चलिए एक राय ले लेते हैं। गौरव, एनआईटी लर्निंग पे बताइए क्या नज़रिया आपका बन रहा है? आज हम देख रहे हैं स्टॉक जो है वो 1.5% के ऊपर। देखिए, बहुत ही लिमिटेड हिस्ट्री है तो बोलना मुश्किल है, लेकिन इसके जो क्रिटिकल रेजिस्टेंसेस जो है एकदम इवेंट बेस पे अगर है तो 410 के हैं। तो ये 410 के नीचे है, थोड़ा सा रुझान जो है वो साइडवेज से नेगेटिव रहेगा। ओके, तो ये व्यू है NIIT लर्निंग को लेकर। लेकिन